वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th and 6th July 2022, 5 और 6 July 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनका हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कल के दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट आपके जितने भी बैकलॉग्स कल का छूटा है वो मैं आपको आज कवर कर दूंगा। ओके, पहले हम 5 जुलाई का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में आपको पढ़ा दूंगा। ओके, सो वीडियो इज बायलैंग्वल, इट मींस आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो आपके लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज़पेपर। ओके, पहले देखते हैं 5 जुलाई का, उसके बाद पहला न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, दैट होटल कांट फोर्स कस्टमर्स टू पे सर्विस चार्ज। ठीक है, ये सेंटर के द्वारा कहा गया है कि होटल के जो भी स्टाफ से होटल मैनेजर से दे कांट फोर्स कस्टमर्स टू पे द सर्विस चार्जेस। ओके, दिस अनाउंसमेंट हैज बीन केम फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस हियर ऑन मंडे आस्किंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट नॉट टू कलेक्ट सर्विस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके, दिस एस्टैब्लिशमेंट शुड नॉट ऐड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टू द फूड बिल और द गाइडलाइंस सेज। ठीक है, तो फूड बिल में ऐसे कुछ नहीं हो कि ये फूड बिल में ऐड कर दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और ये CCPA के द्वारा आया गया है, इस गाइडलाइन को इशू किया गया ऑन मंडे के दिन, और उन्होंने कहा है कि जो होटल्स है और रेस्टोरेंट है दे आर नॉट लाइबल टू कलेक्ट द सर्विस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, इफ फाउंड, अगर वो पाए जाते हैं, ठीक है, देन कस्टमर्स कैन फाइल द केस। ओके, कस्टमर कैन फाइल द केस। ठीक है, और कस्टमर बोल सकता है कि आप प्लीज रिमूव कीजिए सर्विस चार्ज, ठीक है, फ्रॉम द बिल अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम द अमाउंट। ओके, एंड इफ द मैनेजर और इफ द स्टाफ ऑफ द होटल इज नॉट रिमूविंग, देन यू कैन लॉज द कंप्लेंट विद द कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर्स। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें नॉर्मल क्या क्या हो रही है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप कल के दिन होटल में जाते हैं और आपसे सर्विस चार्ज लिया जाता है, देन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट सेंटर के द्वारा अभी रिसेंटली गाइडलाइंस इशू कर दिया गया है दैट मैनेजर्स और होटल इंचार्ज कैन नॉट टेक्स सर्विस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर है, दैट सेंटर स्टॉप्स वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट्स पे काम करना बंद कर दिया गया है सेंटर के द्वारा। ओके, इस प्रोजेक्ट से 13 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिलती, राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिलती, और दिस इज द प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP, ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिलती इन द स्टेट्स। ठीक है, सो इट इज इंटरलिंकिंग ऑफ 3 रिवर्स। ठीक है, 3 रिवर की इंटरलिंकिंग से इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, और कहा जा रहा है दैट इज द इट सेज दैट लैक ऑफ कंसर्न बाय द अदर इश्यूज इज मेनली द रीजंस। ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छूट गई मेरे से, मैं आपको बता देता हूं, दैट इज यहाँ पर एक टर्म्स का जिक्र किया गया, जैसे CCPA। ठीक है, CCPA क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप्स है। ठीक है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप्स है जो कि सेक्शन 10(1) के अंदर आता है। ठीक है, सेक्शन 10(1) के अंदर आता है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1990। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 10(1) में आता है, और इट इज इन रिलेशन विद अ मैटर अफेक्टिंग राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बाई इंडिविजुअल्स और एंटिटी फॉलोइंग द इम्प्रॉपर ट्रेड्स। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, लिख लीजिए, सारी फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, CCPA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, और इसका फॉर्मेशन 2019 में, ठीक है, CPA 2019 में हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 2019 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ओके, सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, ये मेरे को आपको बताना था, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये नोटिफाई कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, लेट्स सी, अभी हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, 2-3 बहुत ही प्यारे प्यारे एडिटोरियल आए हुए, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि बहुत सारी मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है, जैसे कि G7 की समिट हुई है, ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ठीक है,
क्वार्ट्स की मीटिंग पहले हो चुकी है, ठीक है, मई में ही हो चुकी है क्वार्ट्स की मीटिंग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में G20 भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और G20 इस बार बहुत ही एक अव्वल दर्जे पे मीटिंग करेंगे G20, और वो होगी मीटिंग इंडिया में, ठीक है। G20 की मीटिंग होगी यहाँ इंडिया में, ओके। और जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द मीटिंग, ओके। ऑफकोर्स पूरे इवेंट जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे, सम ऑफ द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, बट हाँ इट विल बी अमेजिंग टू सी, ठीक है। इट विल बी अमेजिंग टू सी। पाकिस्तान अभी से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और चाइना के जो डेलीगेट्स है वो अभी भी बोल रहे हैं कि वी विल नॉट गो इन जम्मू एंड कश्मीर, हम जम्मू एंड कश्मीर और या फिर G20 का पार्ट हम इस बार G20 में हम इस बार एज अ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर अपोजिशन भी आ रही है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर समिट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर समिट्स हो रही है तो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी एक जगह पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक एक्सचेंज देखने को मिल रहा है आइडिया का, ठीक है, आइडिया का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है विद द वर्ल्ड लीडर्स, ओके। और बहुत सारे ऐसे बर्निंग टॉपिक्स हैं जिस पर बात किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे आज के डेट में आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान में जो चीज़ें हो रही है, नेचुरल क्लाइमेटी हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, क्लीन एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीज़ें पर बैठ कर क्या कर रहे हैं बहुत सारे जो मेम्बर्स हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट हुई थी, विच वॉज हॉस्टेड बाई चाइना ऑन 23rd and 24th of June 2022, एंड इट वॉज अ क्लियर अटेम्प्ट मेड बाई चाइना टू हाईजैक द ग्रुपिंग, ठीक है। ये एक बहुत क्लियर अटेम्प्ट था चाइना का टू हाईजैक दैट ग्रुप, एंड गोइंग बाई अ ब्लू प्रिंट इट हैज प्रिपेयर टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक प्रिपेयर किया चाइना ने, ठीक है। और इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कि आपको मैं बता दूँ कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया चाइना, ये ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट निकला, which is of 7,500 words and none of which seems to indicate the beginning of new relationship with BRICS, ठीक है। so it's very again important कि 7,500 word का एक नया joint statement निकाला गया BRICS का, और जिसमें से हमें किसी type का indication नहीं दिया, for the indication नहीं देखने को मिला for the beginning of new relations with the BRICS, okay। the change of Russia was more even dramatically different since February 2022, ठीक है। तो एक यहाँ पर देखने को मिला कि जो change of Russia है it was even more dramatically different since February 2022. Neither the Soviet Union nor Russia had supported India against China, ठीक है। तो ना ही सोवियत यूनियन ना ही रशिया, ठीक है, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके, चाइना के, ठीक है। रशिया बहुत ज़्यादा क्लोज है चाइना के, तो जब चाइना और इंडिया की बात आती है तो रशिया क्या हो जाता है, या तो न्यूट्रल हो जाता है या तो उसके सपोर्ट में आ जाता है, चाइना के सपोर्ट में आ जाता है, ठीक है। कभी भी अगेंस्ट चाइना रशिया गया नहीं, ठीक है, और इंडिया को सपोर्ट किया नहीं अगेंस्ट चाइना, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंस 1962 से, ठीक है, बिकॉज ब्रदर, आपको मैंने जैसा बताया जैसे कि चाइना के साथ रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो सिंस 1962 अगर हम देखें उसके बाद से इंडिया के सपोर्ट में कभी नहीं आया रशिया या फिर सोवियत यूनियन अगेंस्ट चाइना, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट कभी नहीं गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखती हैं, ओके। चाइना पुश्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द समिट इटसेल्फ, ठीक है, चाइना पुश्ड the expansion of the summit itself even at the time when BRICS had no credible global agenda, ठीक है। China showed no enthusiasm to bring India's into Asia Pacific economic cooperation, ठीक है, China ने ऐसा कोई enthusiasm नहीं दिखाया जिससे India को लाया जा सके इन Asia Pacific economic cooperation, ठीक है। even after India पूरी जो क्राइटेरिया है और लिबरलाइज इकोनॉमी की वो सारी क्राइटेरिया को मीट करता है, फिर भी चाइना के द्वारा ऐसा कोई इंथविजम यहाँ पर नहीं दिखाया गया, ठीक है। रिपीटेटिंग सेंटेंस फ्रॉम ओल्ड ब्रिक्स डॉक्यूमेंट्स एज दो देयर वाज नो चेंज इन द वर्ल्ड्स हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द सॉलिडिटी ऑफ द ब्रिक्स, चाइना सीम टू थिंक्स दैट ब्रिक्स वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ द बोल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो चाइना हमेशा से ये सोचता है कि दैट ब्रिक्स इट वुड बी द एक्सटेंशन ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ठीक है, and which was designed to dominate the world by getting and small weak countries in the debt tracks, okay, so it's again very important, okay। जिसका मकसद है, जिसका डिज़ाइन ही किया गया टू डोमिनेट द वर्ल्ड बाय गेटिंग स्मॉल एंड वीक कंट्रीज इन द डेप्थ ट्रैक्स, ओके। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं एग्जांपल श्रीलंका का क्या हाल हो रहा है, ठीक है, जिसमें चाइना तो सपोर्ट में आया नहीं, चाइना ने कुछ मदद की नहीं श्रीलंका की, लेकिन हाँ पूरा डेप्थ ट्रैक में फंसा के उसको छोड़ दिया, ठीक है। बल्कि इंडिया ने बहुत सारी हेल्प की भेजे हैं, ठीक है, एड्स भेजे हैं, ठीक है। G7 की मैं अगर बात करूँ तो G7 की भी मीटिंग रिसेंटली हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पेशल इन्विटेशन के तहत जर्मनी बुलाया गया,
था, ठीक है। और जर्मनी में ये मीटिंग हुई थी ऑफ 26 और 28 के बीच में ये मीटिंग हुई थी। और आते आते हमारे आते आते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएई विजिट पे भी गए थे, जहाँ पर वो यूएई के प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट से वो मिले और बहुत सारे टॉपिक पे बात की, ठीक है। जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका जो देहांत हो गया, उनकी कॉन्डोलेंसेस उनको कॉन्डोलेंसेस पे भी करने के लिए भी गए थे, ठीक है। तो जो G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई थी, जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, क्लाइमेट हो गया, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ओके। तो ये सारी चीज़ें पे बात की गई। और ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा यहाँ पर भी केस थी, क्योंकि इंडिया ऑफकोर्स न्यूट्रल रहा इस वॉर में, ठीक है। और इस वॉर में न्यूट्रल रहा तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ भी इस मीटिंग में। और क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑल ऑफ G7 मेंबर को इन्वाइट किया हमारी कंट्री में, ठीक है। आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, ठीक है। हम मूव कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, G7 की मीटिंग के बाद ऑन 28th ऑफ जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए कहाँ पर, UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और वो वहाँ पर विजिट किए, ठीक है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले और बहुत सारी जो टॉपिक है उस पर बात किए, बायलेटरल टॉक्स भी बिटवीन द कंट्री, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स थे जिसपे मिलकर बातें की गई, ओके। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ ब्रिक्स के और आपके इसके G7 के, ठीक है। प्लीज़ लिख लीजिए, G7 के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, विच इज कंसिस्ट ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ठीक है। यूके एंड यूएस याद रखिएगा, ये 7 स्टेट्स के अंदर लाइक करते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान एंड यूएस, ओके। सो ये 7 कंट्रीज के अंदर लाइक करते हैं। एंड इन एडिशन द यूरोपियन यूनियन इज नॉन एनुमरेटेड मेंबर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है? नॉन एनुमरेटेड मेंबर है। इट्स मेंबर आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज एंड लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज है और लिबरल डेमोक्रेसीज है। इन द ग्रुप ऑफिशियली ऑर्गेनाइज एंड अराउंड शेयर वैल्यूज ऑफ प्लुरिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। एज ऑफ 2020 द कलेक्टिव ग्रुप्स अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ ग्लोबल नेट वेल्थ, ठीक है, एंड 22 to 46% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अप्रॉक्सिमेटली 770 million पीपल एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइज इन दिस ग्रुप, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम 2022 जर्मनी has taken over the rotative presidency of the G7 following the presidency of United Kingdom. Okay, so again very important points. Germany is saal ke presidency kar raha of G7. ठीक है। Now BRICS के बारे में मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ और अभी फिर से एक बार बता देता हूँ। Please इसको note down कर लीजिए। BRICS क्या है? ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। दीज आर द मेजर 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। ये 5 मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया और चाइना एक साथ आते हैं, ठीक है। और द मेंबर्स आर नॉन फॉर दियर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। सो वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेंबर्स हैं इट इज नॉन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। एंड सिंस 2009 इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, ठीक है। इसकी लेकिन इसकी पहली मीटिंग हुई थी 2009 में, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इसके ये हर साल सालाना इस मिलते हैं इस मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग में हर साल मिलते हैं और चाइना होस्टेड दिस मीटिंग, ठीक है। चाइना इस बार इस मीटिंग को होस्ट किया और 14th ब्रिक्स समिट हुई थी 24th of जून 2022 को, ठीक है। तो इस बार होस्ट किसने किया? चाइना ने। कंट्री के नाम मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नाउ इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहले ये ब्रिक था, मतलब कि BRIC था, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका का इंडक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रिक्स बना और इसमें लगभग 3,97,46,220 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया इसके अंदर आती है एंड एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बताई गई है 3.21 billion, ठीक है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी वर्ल्ड की जो वर्ल्ड लैंड सरफेस है 26.7% इसमें लाई करती है एंड पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 41.5% पॉपुलेशन आपको इसी में मिल जाएगी, क्योंकि आपको चाइना और इंडिया जैसे कंट्री अगर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो आपको पता है पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओके। सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 out of 5 मेंबर्स आर द वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट कंट्री बाय द पॉपुलेशन, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया बाय एरिया GDP एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका विच इज 23rd इन बोथ, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें तो लैंड में भी अगर आप देखें तो 23rd पे आता है और अगर आप पॉपुलेशन में भी देखें तो 23rd पे आता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट डाटा, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ओके। इंडिया नीड टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये NFHS की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से ये बताया गया है
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट थी। और 2015-16 में जो सर्वे किया गया था NFHS 4 और 2019-21 में जो सर्वे किया गया NFHS 5, उसके हिसाब से जो चीज़ें बताई गई है वो इसके अंदर है। बहुत सारी कंसर्न के बारे में बताया गया है, न्यूट्रिशनल कंसर्न के बारे में बताया गया है। और सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी मस्ट बी प्राउड अबाउट आर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, लाइक हमने साइंस में डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी हमने बढ़ाया, ठीक है, मेडिसिन हमने बढ़ाई हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे कि एंसेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल हो गया, सिविलाइजेशन नॉलेज बेस्ड हो गया, ये सारी चीज़ हमने वेल्थ कंट्री का बढ़ाया, विजडम बढ़ाया, हमने अपना ऑनर बढ़ाया, ठीक है, हम लोगों के बीच में अब जाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, वर्ल्ड में हमारा इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन स्टिल एक बहुत ही बड़ा डिसकंसर्न है दैट इंडिया इज़ एफिलेटेड बाई पब्लिक हेल्थ इशू, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इशू से इंडिया एफिलेटेड है। एंड सच एज आपको चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की मैं बता दूँ, ठीक है, स्टंटिंग का आपको मैंने NFHS 5 में बताया था ना, स्टंटिंग के केसेस, वेस्टिंग के केसेस आए थे, स्टंटिंग के केसेस आ रहे थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली। 35.5% स्टंटेड एंड 67.1% एनेमिक के केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड एट्रीब्यूट टू 68.2, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टिलिटी, ठीक है, तो अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। एंड पुअर न्यूट्रिशन नॉट ओनली एडवर्स इम्पैक्ट हेल्थ एंड सर्वाइवल, ठीक है, जो पुअर न्यूट्रिशन होता है वो ना केवल सिर्फ आपके हेल्थ को और सर्वाइवल को इफेक्ट करता है बट ऑल्सो लेड टू द डिमिनिश लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको भी खत्म कर देता है, ठीक है, पुअर स्कूलिंग परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर देखने को मिलती है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर, ओके। And in adulthood, it means reduced earning and increased risk of chronic disease such as diabetes, hypertension and obesity, ठीक है, so ये सारी चीज़ें आपको poor nutrition के consequences ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। National nutrition mission, ये सारी चीज़ें आपको पोषण अभियान हो गया, national nutrition mission हो गया, इन सारी चीज़ों का main एक मकसद है कि माल न्यूट्रिशन को कम करना, इनका prime objective क्या है, to reduce the माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इनका लिख लीजिए, जो national nutrition mission है और prime minister का एक बहुत ही important mission है, दैट इज पोषण अभियान, इनका मेन मकसद क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन इन वुमेन, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये पॉइंट्स लिखते जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारा पोषण अभियान हो गया एंड NNM हो गया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इनका मेन मकसद क्या है, इट हैज प्राइम ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ओके, सो लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है पोषण अभियान, आपको पता है पोषण 2.0 भी आ चुका है जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ही अव्वल दर्जे पे इसकी की गई है, ठीक है, जो इसका मेन विजन है, इट्स मेन विजन टू अलाइन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू वर्क इन टैंडम्स ऑन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके, सो इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ फर्स्ट 1000 डे इन द लाइफ, ठीक है, तो पहली 1000 डे इन द लाइफ, ओके, एंड 270 डेज ऑफ प्रेगनेंसी टू 730 डेज, ओके, 0 to 24 months की इंपॉर्टेंस यहां पर बताई गई है। ग्लोबल एंड इंडियन एविडेंस फुल्ली सपोर्ट दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है, सो ग्लोबली और इंडियन इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है, पहला 1000 डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको यह भी जानना है, विच प्रिवेंट द लार्जली इरिवर्सिबल स्टंटनिंग अकरिंग बाय द 2 years ऑफ द एज, पोषण अभियान, ठीक है, राइट प्लेस इज अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द सिलेक्टेड हाई इंपैक्ट एसेंशियल्स न्यूट्रिशन इंटरवेंशन एंड कंबाइंड with nutrition sensitive interventions which indirectly impact mother, infant and young child nutrition such as improving covering age of maternal child health services, enhancing women empowerment ability and access to improve water sanitation hygiene, enhancing homestead food production for diversified diets, okay, so ये सारी चीज़ें इसके अंदर include की जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को आपको मिलेगी। वुमेन का क्या होगा, वुमेन empowerment enhance होगी, ability भी enhance होगी, ठीक है, आपको यहाँ पर improved water की access की जरूरत है, ठीक है, sanitation और hygiene की proper यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, so these are the things which you need to understand, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि NFHS 5 आया था, NFHS 4 आया था 2015-16 में, ठीक है, उसके कंपेयर में ये बताया गया कि इट रिवील्ड अ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट, ठीक है, एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन्होंने एक रिवील किया, ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट है ये लिख लीजिए, इट रिवील अ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन अ पीरियड ऑफ
4 to 5 years in several proxy indicators of women empowerment for which government deserve credits. ठीक है, इसके लिए government क्या करती है, credit deserve करती है that इसमें substantial improvement हमें देखने को मिला है in a period of 4 to 5 years in several proxy indicators. ठीक है, there were substantial increase in annual service attendance. ठीक है, annual service attendance में हमें substantially increase देखने को मिला है, जैसे कि अगर आप देखें तो 58.6% to 70% हमें यहाँ पर देखने को मिला है. ठीक है, women having their own saving bank account. ठीक है, 63.78% वुमेन जिनके पास 63 पहले थे लेकिन 63 to 78.6% ऐसी वुमेन है जिनके पास खुद के बैंक अकाउंट है. ठीक है, वुमेन जिनके पास खुद का मोबाइल है जो यूज कर रही है वो 45.9% से लेकर 54% ऐसी वुमेन है जो अपना मोबाइल फोन यूज कर रही है. ठीक है, वुमेन मैरिड बिफोर 18 ईयर ऑफ द एज ये कम हुआ है. ठीक है, तो 26 to 23 यहाँ पर देखने को मिला है. ठीक है, तो यहाँ पर ये यह हमें आंकड़े देखने को मिले हैं. वुमेन विथ 10 more years ऑफ स्कूलिंग 35.7 to 41. ठीक है, एक्सेस टू द क्लीन फ्यूल कुकिंग. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें सब्सटैंशियली इंक्रीज देखने को मिला है, चाहे वो एनिटल सर्विस अटेंडेंस हो, चाहे वो वुमेन की बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वुमेन का स्मार्टफोन यूज से रिलेटेड हो. ठीक है, मैरिड से रिलेटेड हो, स्कूलिंग से रिलेटेड हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है. ओके, नाउ प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन मैटरनल न्यूट्रिशन एंड अप्रोप्रिएट इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग रिमेन टू बी इफेक्टिव एडेड. ठीक है, दीज आर रिमेन टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड एंड इंडिया has 20% to 30% undernutrition even in the first 6 months of life. ठीक है, so India में अगर आप देखें तो लगभग 20 से 30% अभी भी undernutrition है in the first 6 months of life which exclusive breastfeeding is only nourishment requires. ठीक है, तो breastfeeding एकमात्र ऐसा nourishment है जिसकी requirement होती है in the first 6 months और India इसमें 20 से 30% undernutrition है. Okay, so these are the things, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझने की जरूरत है. ठीक है, poor complementary feeding is often due to lack of awareness. ठीक है, आप यहाँ पर poor complementary feeding की बात करें तो ये अक्सर हमें यहाँ पर देखने को मिला है due to lack of awareness to start feeding at 6 to 8 months. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको lack of knowledge की वजह से देखने को मिलेगी. प्रॉपर एक इंडिविजुअल को नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या होता है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ठीक है, सो ये इसमें नॉलेज नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पर ये पुअर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देखने को मिलती है. ठीक है, सो क्रिएटिंग अवेयरनेस एट द राइट टाइम विद द राइट टूल. ठीक है, सो क्रिएटिंग अवेयरनेस एट द राइट टाइम विद द राइट टूल्स एंड टेक्निक्स रिगार्डिंग द स्पेशल केयर इन द फर्स्ट 100 days डिजर्व हाई प्रायोरिटी. ठीक है, इट्स डिजर्व हाई प्रायोरिटी. ठीक है, पहला 1000 days बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द राइट टूल. ओके, देयर वी नीड टू रिविजिट द नोडल सिस्टम फॉर द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम. ओके, एग्जिस्टिंग सिंस 1975 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड एग्जामिन वेदर इट इज राइट सिस्टम फॉर रीचिंग मदर चाइल्ड इन फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ. ठीक है, क्या ये सही है कि नहीं पहले 1000 days, इसमें हमें थोड़ा सा इसको जांच करने की जरूरत है, एग्जामिन करने की जरूरत है. ओके, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. ओके, सिस्टमिकली वी शुड ऑल्सो रिव्यू द स्टेटस एंड डेवलप द टेस्ट ऑफ न्यू सिस्टम. ओके, हम एक स्टेटस हम यहाँ पर रिव्यू करने की जरूरत है. ठीक है, और एक न्यू सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है दैट वुड कंबाइन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आईसीडी एंड हेल्थ फ्रॉम विलेज टू द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल. ओके, सो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था. और ऑफ कोर्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 4 का भी इसमें जिक्र किया गया रिगार्डिंग स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के केसेस के रिगार्डिंग. ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसमें हम क्यूएस पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपके थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई थी जिसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रैंक किया गया था और इनको रैंक किया गया था फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स की वजह से इनको रैंक किया गया था जिसमें 40% एकेडमिक रेपुटेशन के ऊपर था. ठीक है, 10% एम्प्लॉयर रेपुटेशन के ऊपर था, 20% फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के ऊपर था एंड आपके 20% साइटेशन पर फैकल्टी पे था और 5% इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो पे था, 5% इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो पे था और आपको यहाँ पर 0% इसमें आपको इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क एंड एम्प्लॉयमेंट कस्टमर. ठीक है, इस पे था. ठीक है, इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज़ फॉर दिस एडिशन. ठीक है, और इसमें जो चीज़ें थी कॉम्पोनेंट थे वो मैंने आपको बता दिया किस बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है. ओके, और बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिली ऑथर के द्वारा बताया गया है. ठीक है, आपको यहाँ पर वेयर इट इज़
heartening to see that number of Indian institute among top 1000 globally has risen to 27 from 2022 last year. ठीक है, तो last year हमें 22 से अभी इस साल हमें देखने को मिला 2023 के लिए ये रिपोर्ट आई थी, 2023 की एडिशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें 22 से 27 हो गया, 5 प्लस हुए हमारे इंस्टीट्यूट. तो आपको एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिली है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं हमारे. ठीक है, इट हैज़ रिजन टू द नंबर 27 फ्रॉम द 22 लास्ट ईयर. ओके, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हैज़ मूव्ड अप 31st प्लेस टू इमर्ज एट द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन इंस्टीट्यूट इन 2023 एडिशन. ठीक है, तो बैंगलोर IAS बैंगलोर आपको यहाँ पर देखने को, ISC बैंगलोर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. इट हैज़ मूव अप टू 31st प्लेस एंड विच इमर्ज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन 2023 एडिशन. ओके, देर इज नो सीरियस डिबेट ऑन एब्साइलम एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंसेस भी बताए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर अमंग द अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू देर इज ग्रेटर इनइक्वालिटी. ठीक है, यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात की गई, जैसा कि आपको मैंने बताया डिफरेंसेस भी बताए गए हैं. ठीक है, कुछ आपको ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो कि सेंट्रली फंडेड है. ठीक है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जिनको सेंट्रली फंडेड किया गया है और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनको स्टेट फंडेड किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा सपोर्ट. ठीक है, तो उनका जिक्र किया गया इसके बारे में. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं there is great inequality as per all India survey on higher education in 2019-20 184 of 1,443 higher education institute in the country are centrally funded institution. ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी ऑल इंडिया सर्वे की हायर एजुकेशन की 2019-20 की, जिसमें से बताया गया कि 1,043 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से 184 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको सेंट्रली फंड प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जनरसली एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्स टू दीज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है इनको एलोकेट करती है फाइनेंशियल रिसोर्स. हाउएवर द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज फार मोर एडिक्वेट इवन दो द नंबर ऑफ अनग्रेजुएट स्टूडेंट इन द लार्जेस्ट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड इट इज फॉलोड बाय द स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज. ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो टोटल स्टूडेंट है विच एनरोल्ड. ओके, सो स्टेट स्पॉन्सर्ड हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटीज बारली मैनेज टू पे सैलरीज एंड पेंशन. ओके, सो ये सारी डिफरेंसेस यहाँ पर बताई गई है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सेंट्रली फंडेड हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ओनली बाय स्टेट फंडेड है. ठीक है, उनको सेंट्रल के द्वारा फंड नहीं दिया जाता है. ओके, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ऑन द अदर हैंड द इंस्टीट्यूशन हैड जनरसली फंडेड बाय द सेंटर परफॉर्म बेटर दैन देयर स्टेट स्पॉन्सर्ड काउंटरपार्ट. ठीक है, तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रली फंडेड किए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू द स्टेट स्पॉन्सर्ड काउंटरपार्ट. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, चाहे इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी स्ट्रेंथ की बात करूं, मॉडर्न लेबोरेटरीज की बात करूं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, डिजिटलाइज लाइब्रेरी की बात करूं, स्पेंसर रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट की बात करूं, कंप्यूटर फैसिलिटीज की बात करूं, ये सारे अगर सेक्टर में देखा जाए तो स्टेट से इसके स्टेट के कंपेयर से सेंट्रल जो इन्वेस्ट कर रही है, फंड कर रही है इंस्टीट्यूशन को, उसमें हमें अच्छा देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है ऑथर के द्वारा. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 विच एनवेसेज्ड ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय 2040. ठीक है, तो ये एक एम रखा गया है कि जो भी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे इट विल बिकम अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय 2040 एंड द मेन एम टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ठीक है, मेन एम क्या है, इट्स मेन एम टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 टू 50% बाय 2035. ठीक है, तो जो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन है 26.3% 2018 में एस्टिमेट किया गया था, उसको 50% करेंगे 2035 तक. एंड NEP ऑल्सो एम टू इंश्योर दैट बाई 2030 देर इज एटलीस्ट वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपको लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिलेगा हर डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, दिस मीन्स दैट सिंगल स्ट्रीम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विल इवेंचुअली बी फेज आउट. हाउएवर द फैक्ट दैट प्रोमिनेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट सच एज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जामिया मिल्ला इस्माइलिया, ठीक है, सो हैव स्लिप्ड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शुड कंपेल नेशनल थिंक टैंक टू रिविजिट. ओके, सो ये सारी चीज़ यहाँ पर इन सारी
यूनिवर्सिटी है जिनका रैंक यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमें यहाँ पर स्लिप देखने को मिला है, तो इसके ऊपर रिविजिट करने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके, वहीं पर आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो एक क्लोज स्टडी किया गया था ऑफ QS, क्लोज स्टडी ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिवील्स दैट सिंगल स्ट्रीम स्पेशलाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ISC हैव परफॉर्म्ड बेटर दैन देयर मल्टीडिसिप्लिनरी काउंटरपार्ट्स। ठीक है, तो जो ISC टेक्नोलॉजी हैं, IITs हैं, ISC हैं, दे हैव परफॉर्म्ड बेटर दैन देयर मल्टीडिसिप्लिनरी काउंटरपार्ट। ठीक है, 8 IIT है, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, कानपुर हो गया, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी एंड इंदौर आर प्लेस्ड अमंग टॉप 500 ग्लोबली। ठीक है, तो इन एडिशन टू ISC बैंगलोर। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी आपको टॉप 500 में देखेंगे इन ग्लोबली। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, जो IIT इंदौर है, इट्स रैंक हाइस्ट अमंग द सेकेंड जनरेशन IITs एंड बाई सिक्योरिंग 396th पोजिशन। ठीक है, IIT जो BHU है, ठीक है, इट मेड सबमेड presence in 651-700 bands। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको यहां पर जानने की जरूरत है। जो IIT है और ISCs है, इट परफॉर्म बेटर दैन देयर मल्टीडिसिप्लिनरी काउंटरपार्ट्स। ओके, सो 8 यहां पर IITs का जिक्र किया गया, IITs और ISCs का जिक्र किया गया। ठीक है, सो अगेन होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। आपको सारी चीजें इसके बारे में पता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, कुछ क्या क्या चीज़ें बैन है वो मैं आपको बता दूंगा, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक, सेंटर के द्वारा इसको बताया गया कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, सेंटर के द्वारा इसको डिफाइन किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको प्लास्टिक से बनाया गया है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज ओनली वंस। ठीक है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज ओनली वंस, सिर्फ एक बार यूज किया जाएगा, सिर्फ एक बार के पर्पज से इसको यूज किया जाएगा, बिफोर बींग डिस्पोज ऑफ एंड रिसाइकल्ड। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ द बैन देयर इज लिस्ट ऑफ 21 आइटम। ठीक है, तो 21 आइटम की लिस्ट यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर बताया गया कि कुछ ऐसे आइटम्स है जैसे प्लास्टिक स्टिक्स हो गया, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून हो गया, प्लास्टिक फ्लैग हो गया, कैंडी स्टिक हो गया, आइसक्रीम स्टिक हो गया, थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन प्लेट्स हो गया, कप ग्लासेस, कटलरीज सच एज फॉर्क, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग पैकेज, पैकिंग एंड फिल्म अराउंड सेट बॉक्स। ठीक है, इन्विटेशन कार्ड हो गया, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक PVC बैनर लेस देन 100 माइक्रोन सिलेंडर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को बैन किया गया है। ठीक है, चीजों को बैन किया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 21 आइटम की लिस्ट है विच कम्स अंडर सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इट्स मैं आपको सारी चीजें पहले भी बता चुका हूँ ये। ठीक है, और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुकी है, तो होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लास्टिक से बने हो और जिनका मकसद हो ओनली टू बी यूज वंस एंड बिफोर बीइंग डिस्पोज ऑफ एंड रिसाइकल्ड। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले से ही बताया गया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैन हो गई है। ठीक है, नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी क्या कुछ इंपॉर्टेंट और आए हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे नए इन्वॉय अपॉइंट किए गए हैं फॉर द की कंट्री, जैसे कि आपको रुचिरा कंबोज जी मिलेंगे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं UN के। ठीक है, रुचिरा कंबोज हैं जो कि टेक ओवर कर लिए हैं। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे टू UN। ठीक है, इन्होंने ले लिया है, अब ये बन गए हैं रुचिरा कंबोज, आप याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज टू टेक ओवर एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। ठीक है, ऐसे ही दो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, जैसे कि एक नाम मैं बताता हूँ, संजय कुमार वर्मा जी ही विल बी द इंडियाज एम्बेसडर टू जापान। ठीक है, ही विल बी एक्सपेक्टेड टू बी द इंडियाज एम्बेसडर टू जापान, और बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ये यंगेस्ट है। ठीक है, और इट्स सेट टू बी टेकर्स। ठीक है, ये क्या है, इंडियाज अभी ये किस पोस्ट पे है, इंडियाज के एम्बेसडर पोस्ट पे टू जापान, और ये टेक ओवर करेंगे नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा एज इंडिया आउट गोइंग हाई कमिश्नर अजय बिसरिया हैज रिटायर्ड। ठीक है, तो जो अजय बिसरिया है ये रिटायर्ड होने वाले हैं,
और ये संजय कुमार वर्मा जी इनका चार्ज लेंगे, टेक ओवर करेंगे इनको, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नए इनवॉइस अपॉइंट किए गए, जैसे कि रुचिरा कंबोज जी का मैंने आपको बता दिया और आपको यहाँ पर संजय कुमार वर्मा जी का बता दिया, जो कि अभी करंटली इंडिया एम्बेसडर हैं जापान के, ठीक है, इंडिया एम्बेसडर टू जापान, ठीक है। रुचिरा कंबोज जी थे पहले, क्या पहले अभी थे, ठीक है, अभी क्या है ये, अभी यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले ये इंडियन एम्बेसडर थे भूटान के, रुचिरा कंबोज जी इंडियन एम्बेसडर थे किसके, भूटान के, और अभी किसके हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूएन। ओके, नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी यहाँ पर कुछ। हाँ, म्यांमार जब से मिलिट्री को आया है, म्यांमार में जब से मिलिट्री को आया है, पहली रीजनल मीटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी म्यांमार में, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर विल गोइंग टू टेक पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। और वैंग वी जो चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, वो यहाँ पर आएंगे। मेकोंग डेल्टा के ऊपर बातचीत चलेगी। चाइना हमेशा से क्रिटिसाइज करता है डैम अपस्ट्रीम ऑन मेकोंग रिवर विच अफेक्ट वाटर लेवल एंड डाउन स्ट्रीम फिशरीज डैट आर इंपॉर्टेंट टू द सेवरल साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन इकोनॉमीज। ओके, सो इसके ऊपर बातचीत करी जाएगी, ठीक है। सिंस को मिलिट्री को जब से आया है, पहली बार म्यांमार अभी मीटिंग होस्ट करेगा, ठीक है, और कुछ कंट्रीज यहाँ पर आएंगी, ठीक है, जैसे कि आपको म्यांमार, लायोस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से आपको यहाँ पर आते हुए मिलेंगे, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, इसके इसमें जो थीम रखी गई है, सॉलिडिट्री फॉर पीस एंड प्रोस्पैरिटी, ठीक है, सॉलिडिट्री फॉर पीस एंड प्रोस्पैरिटी इन द सेंट्रल सिटी ऑफ बगान, ठीक है। बगान क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बगान सेंट्रल सिटी है, बगान का एक बगान सेंट्रल सिटी है, और उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंट थीम याद रखिएगा, सॉलिडिटी फॉर पीस एंड प्रोस्पैरिटी। नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट जो है ग्रो देखने को मिला है 16.8% से, एंड इम्पोर्ट सर्च 51%, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। ओके, गोल्ड है, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, इसका जो परचेज है एक्सपैंड हुआ है, एंड जून ट्रेड शॉर्टफॉल टू न्यू रिकॉर्ड, ओके, टू 25.63 बिलियन डॉलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइल अगर एक्सपोर्ट की बात करूँ तो हमेशा उसमें इंक्रीज अभी तक देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 38 बिलियन डॉलर का इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट मंथ में, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट, कोल का इंपोर्ट मोर देन ट्रिपल हुआ है, ठीक है, अगेन कोल का जो इंपोर्ट है मोर देन ट्रिपल हुआ है। वैल्यू ऑफ नॉन पेट्रोलियम इंपोर्ट है, इट वाज 42.84 बिलियन डॉलर इन जून। ओके, सो यहां पर एक चीज यहां पर मैंने आपको बताया कि जो इंडियन मर्चेंडाइज जो ट्रेड है डेफिसिट है, इट हिट अ फ्रेश हाई ऑफ 25.63 बिलियन डॉलर इन जून एज इंपोर्ट सर्ज 51 to 63.6 बिलियन डॉलर। ओके, सो इट्स अगेन 16.8% का राइज हमें एक्सपोर्ट में देखने को मिला है। ओके, ऑयल कैन टच $380 इफ रशिया कट आउट, ठीक है, अगर रशिया अगर आउटपुट को कट कर देगा तो ऑयल का जो प्राइस है इट मे गो $380 ठीक है, पर बैरल क्या $380 हो जाएगा, ठीक है, प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इस न्यूज़पेपर में बस इतना ही था, और अब जो डिस्कस करेंगे हम लोग 6 तारीख का न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे, 6th of July 2022 के न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो लेट्स मूव टू द 6 तारीख की कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से मैंने न्यूज़ लिए, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर 6 तारीख का न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 रिसेंटली रिलीज किया गया हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 का रिलीज किया गया हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, एंड एज पर द इंडेक्स इंडिया विल हैव 122 न्यू यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स में इंडिया के पास नए 122 यूनिकॉर्न्स होंगे, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये दावा किया गया है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक रिपोर्ट रिलीज की गई है हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022, उसमें यह दावा किया गया है कि 122 नए यूनिकॉर्न्स मिलेंगे हमें नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टार्टअप जेप्टो, सिप रॉकेट, टर्टल मिंट आर द टॉप लिस्ट प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज ह्यूरॉन इंडियाज फाइंडिंग, बेंगलुरु कंटिन्यू टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेंगलुरु विल बी द कंटिन्यू टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज द होम ऑफ 46 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बेंगलुरु में ज़्यादा मिलेगी, और बेंगलुरु इज फॉलोड बाई दिल्ली, दिल्ली में आपको उसके बाद 25 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेंगे,
मुंबई में, मुंबई थर्ड पोजीशन पे 16 प्रोबेबल्स यूनिकॉर्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई याद रखिएगा, जिसमें पहले दूसरे तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है। नाउ यूनिकॉर्न कंपनीज क्या है? यूनिकॉर्न एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज है, ठीक है। इट्स प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज जिसकी जो वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन है तो उसको यूनिकॉर्न में कहा जाता है, ठीक है। और इट्स प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज, दिस टर्म फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2013 में पहली बार इस टर्म को लाया गया था, पब्लिश किया गया था, ओके। सो याद रखिए, हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न की इंडेक्स रिलीज की गई है 2022 के लिए हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें कहा गया कि आने वाले 2 से 4 साल में इंडिया विल हैव 122 न्यू यूनिकॉर्न्स, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट रिसर्चर्स ने डेवलप्ड किया है COVID-19 को टेस्ट करने के लिए एक रैपिड टेस्ट डेवलप किया है, कोवार स्कैन रैप COVID-19 टेस्ट, ठीक है। कोवार स्कैन रैपिड COVID-19 टेस्ट एक डेवलप किया है मेथड, एंड दिस विल टेस्ट इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 इन सम आवर्स, ठीक है। तो कुछ ही घंटों में ये क्या करेगा कि जो भी डिफरेंट वेरियंट्स है SARS-CoV-2 के, तो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कोवार स्कैन रैपिड COVID-19 टेस्ट, विच इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरियंट ऑफ SARS-CoV-2 इन सम आवर्स, ओके। जो कोवार स्कैन रैपिड टेस्ट है, इट कैन डिटेक्ट द सिग्नेचर इन 8 हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है, और लगभग अब तक इन्होंने क्या किया है, 4000 सैंपल को इन्होंने टेस्ट भी किया है, और ये एक बहुत ही एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, SARS-CoV आपको याद रखना है, इट्स अ न्यू कोवैक्स सार रैपिड COVID-19 टेस्ट, ठीक है। एक नया मेथड डेवलप किया गया है और टू यूज टू डिटेक्ट द डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द COVID-19, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूज़पेपर। सेंटर ने सॉफ्टन किया है पुनिटिव स्टेप्स इन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल केस, ठीक है। सो एनवायरमेंटल केस के रिगार्डिंग, और इस एक्ट में ये कहा गया है करंटली कि जो वायलेटर होंगे दैट दे विल बी गेट पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ, ठीक है। तो जो वायलेटर होंगे उनको वो पनिशेबल के हकदार होंगे, और उनको या तो 5 साल की जेल होगी, या तो फाइन लगेगा 1 लाख का, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। वेयर वायलेटर टू कंटिन्यू इन एडिशन टू फाइन अप टू 5000 डेली एंड ड्यूरिंग विच फेलियर एंड कॉन्ट्रवेंशंस कंटिन्यू आफ्टर कन्विक्शंस वुड बी लिव्ड, ओके। सो दो मेजर चैलेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं, एजुकेशन ऑफिसर हु विल डिसाइड ऑन पेनल्टी इन द केस ऑफ इन्वायरमेंटल वायलेशन सच एज रिपोर्ट नॉट बींग सबमिटेड और इन्फॉर्मेशन नॉट बींग प्रोवाइडेड वेन डिमांडेड, ठीक है। सो हाउएवर इन केस ऑफ सीरियस वायलेशन विच लेड टू द ग्रीवियस इंजरीज और लॉस ऑफ लाइफ देयर शैल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860 रीड सेक्शन 24 ऑफ द EP एक्ट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेंटर ने सॉफ्टन किया है पुनिटिव स्टेप्स को इन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल केस, और बोला है कि जो वायलेटर होंगे दे विल बी पनिशेबल फॉर अप टू 5 ईयर्स और मे बी ए गेट फाइन फॉर 1 लाख और बोथ, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। बिना टाइम वेस्ट किया हम एडिटोरियल सेक्शन पर मूव करते हैं, ओके। इंडियन एविएशन को एक स्ट्रॉन्ग और स्टेडली टेलविंड की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लिखा गया है राइटर के द्वारा, ठीक है। GR गोपीनाथ जी ऑथर हैं इनके, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है। बताया गया कि अराउंड 44 डिकेड मतलब कि 40 साल पहले, ठीक है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 40 साल पहले बताया गया कि इंडिया के पास कितने 2 टेलीविजन चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2, उसके बाद आपके पास बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें थी, ठीक है। आपको उसमें क्या मिलेंगे, RK लक्ष्मण कार्टून्स वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। और एक चैनल में आपको इंदिरा गांधी की प्रोग्रामिंग्स मिलती थी, और जब लोग उससे ज़्यादा बोर हो जाते थे तो दूसरे चैनल की तरफ मूव करते थे, और उसमें संजय गांधी जो कि उनके बेटे की और वो भी पॉलिटिशियन थे, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी। उस टाइम पर उनके पास 2 कार कंपनीज थी, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर एम्बेसडर थे, ठीक है, 2 मोटरसाइकिल 2 स्कूटर कंपनीज थी, ठीक है, जैसे इनफील्ड इंडिया हो गया, आइडियल जावा बाइक्स हो गया, ठीक है, जब बजाज हो गया,
और लैम्बेटर स्कूटर्स हो गया, ठीक है, वन टेलीफोन कंपनी थी, टू एयरलाइन थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे थी, अराउंड 44 डिकेड्स अगो, ठीक है, 40 साल पहले की बात की गई है ऑथर के द्वारा। उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, देयर देन केम सम चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि 500 टेलीविजन चैनल्स, उसके बाद इंडिया मूव टुवर्ड्स द 500 टेलीविजन चैनल्स, ठीक है, मोर देन 20 ऑटोमोबाइल्स, 15 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर एंड revolution proliferations in telephones sector, okay, and anthropa of pharmaceutical, ठीक है। तो बहुत सारे हमने अलग अलग फील्ड में, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो गया, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो गया, चाहे वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूँ, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करूँ, कंपनीज की बात करूँ, तो इन सारे चीज़ों में हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, ठीक है, एज पर कंपेयर टू द 40 ईयर्स अगो, ठीक है। तो 40 साल पहले का अगर आप कंपेयर करें तो उसके बाद हमें थोड़ा सा आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट स्टिल वी नीड सम चेंजेस, स्टिल वी नीड सम मेजर्स और स्टेप्स फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी टेलविंड, ठीक है, रिगार्डिंग इंडियन एविएशन, ठीक है। तो इंडियन एविएशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की जरूरत है, बिकॉज इंडियन एविएशन हैज रिसेंटली बिकेम द सिक मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ डाटा के द्वारा ऐसा बताया गया कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं विच हैज ग्रोन बाई लिप और बाउंड, बट इंडियन एविएशन हैज बिकेम सिक मैन ऑफ इंडिया एंड द ग्रोथ हैज बीन अफेक्टेड बाई चोकिंग रेगुलेशन, ठीक है। तो जो ग्रोथ है ऑफ एविएशन का, जो ग्रोथ है वो किससे अफेक्ट हुआ है, बाय चोकिंग रेगुलेशन, ठीक है, टफ एंट्री बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट, ठीक है, हाई फ्यूल प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ हाई टैक्स, स्काई हाई टैक्सेस, ठीक है, एंड इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट दैट पेइंग द वे फॉर मोनोपोली एयरपोर्ट दैट आर एक्सट्रॉनिस्ट इन एब्सेंट ऑफ रोबस्ट कॉम्पिटिशन, frequent and knee-jerk changes only point to absence for long-term vicinity strategic policy not just for airline but also for the entire gamut of the sector aviation, ठीक है। so these are the things, ये बताया गया कि पहले कोविड 19 के पहले 2019 में जब एक एस्टिमेट निकाला गया था, उस टाइम पे ये सब चीज़ें बताई गई कि लगभग 140 मिलियन लोग ट्रैवल करते थे, और ज़्यादातर आपको उसमें दिखेंगे जो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स थे, ठीक है, जो बार बार ट्रैवल करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर नॉट 140 मिलियन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एज इट सीम्स, ठीक है। तो 140 मिलियन डिफरेंट इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, कुछ लगभग 35 से 40 मिलियन ऐसे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं जो कि हमेशा टिकट खरीदते हैं और ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो आपको डिफरेंट फ्लायर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। सो इंडिया को कहा गया है कि आर्थर के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया को कुछ स्ट्रैटेजिक्स, कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। अगर अदर कंट्रीज़ की मैं एग्जाम्पल लूँ तो ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना, ये हमसे आगे हैं, द वे अहेड ऑफ इंडिया, ठीक है। चाहे मैं आपको बात करूँ छोटी कंट्रीज़ की भी मैं बात करूँ और बड़ी कंट्री की अगर मैं बात करूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एग्जांपल दिया गया ऑथर के द्वारा, हार्ड नंबर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्री कोविड 19 ईयर 2019 प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी, ठीक है। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, आयरलैंड, जो आयरलैंड है ये बिगेस्ट इकोनॉमिक नहीं है इन द वर्ल्ड, हम सब जानते हैं इट इज नॉट द बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर है उनके पास, ठीक है, याद रखिएगा 28 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर है एंड टिकट सोल्ड अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ 5 मिलियन, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 5 मिलियन, और उनकी जो टिकट है वो आप देख सकते हैं 5 गुने से भी ज्यादा उनकी टिकट बिकी है, ठीक है, 28 मिलियन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर है उनके पास, मतलब डोमेस्टिकली वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, बाय थ्रू एयर, ठीक है। सो इन यूरोप में आप देखें तो 1146 मिलियन पैसेंजर है फॉर द पॉपुलेशन 447 मिलियन, ठीक है, तो 447 मिलियन पीपल के लिए 1147 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर है इन यूरोप, ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट आप यहां पर देख सकते हैं 927 मिलियन पैसेंजर फॉर द पॉपुलेशन 325 मिलियन, ठीक है, तो 325 मिलियन के लिए आप देख सकते हैं 925 इन यूएस, ठीक है। और अगर हम डेवलप्ड कंट्री को छोड़ दें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, 119 मिलियन पैसेंजर्स हैं विथ 215 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। मलेशिया आप देख सकते हैं 63 मिलियन पैसेंजर्स हैं, उसकी उनकी जो पॉपुलेशन है 33 मिलियन है। इंडोनेशिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, 116 मिलियन पैसेंजर हैं, उनकी
पॉपुलेशन कितनी है 280 मिलियन। चाइना का भी एग्जांपल ले सकते हैं, 60 मिलियन आपके यहाँ पर पैसेंजर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है, तो इंडिया विथ 1.25 बिलियन पीपल हैड ओनली 140 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स। ठीक है, तो इसके कुछ रीजन्स होंगे, ऑफकोर्स कुछ रीजन्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से इफेक्ट हुई है, चॉकिंग रेगुलेशन की वजह से इफेक्ट हुई है, जो टफ एंट्री बैरियर्स है फॉर द न्यू एंट्रेंस उसकी वजह से इफेक्ट हुई है चीज़ें। ठीक है, हाई फ्यूल के प्राइसेस हैं ऑन द अकाउंट ऑफ स्काई हाई टैक्सेस, इसकी वजह से हुई है, और इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिली है। दीज आर द सम बैरियर्स विच केम इन फ्रंट ऑफ इंडियन एविएशन। ठीक है, सो अगर मैं कुछ फाइनली कुछ और कंट्रीज के डाटा बताऊँ तो इथियोपिया 5 मिलियन पैसेंजर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इजिप्ट की 13.2 मिलियन पैसेंजर एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन 100 मिलियन। ठीक है, तो इंडिया के पास ऐसे नहीं है कि स्टार्टअप्स की कमी है, स्टार्टअप्स बहुत सारे, हमारी कंट्रीज में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, और रिसेंटली जो द स्टार्टअप्स इंडिया है इनिशिएटिव है, इसको रिसेंटली प्रेज भी किया गया है, और इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट और स्पेशली बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट इज बाय एंड लार्जेस्ट ड्राइविंग फोर्स इन हाईटेक कंपनीज एंड डिस्टरप्टिंग मेनी कन्वेंशनल बिजनेसेस, बट द पॉइंट इज दैट फोर्स मस्ट स्प्रेड टू द अदर एरियाज। एविएशन इज इंटीग्रल इक्विटेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ कंट्री टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिशन एंड टू चेंज द सिचुएशन एज फॉर ऑफ द नेशंस दैट इज स्ट्रगलिंग विद द पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पैसेंजर्स एयरलाइंस एंड एयर कार्गो ओवरकम। ठीक है, तो एयर कार्गो भी बहुत जरूरी है, और आप यहाँ पर जो स्टार्टअप्स कंपनीज है, स्टार्टअप्स इनिशिएटिव है, ये तो एक लॉडेबल का एक हमारे पास सोर्स है, एक बहुत अच्छा सोर्स है कि स्टार्टअप कंपनीज को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो एविएशन है एक इंटीग्रल पार्ट है, और विच इज़ इक्विटेबल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मूव्स है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है इससे। ठीक है, इंडिया का जो एयर कार्गो है ग्रोथ है इज ऑल्सो लैंग्विस्ट, ठीक है, इज ऑल्सो लैंग्विस्टिंग, और हांगकॉन्ग एयरपोर्ट अलोन हैंडल्स मोर कार्गो दैन ऑल इंडिया 100 एयरपोर्ट्स पुट टुगेदर। ठीक है, तो हांगकांग का भी अच्छा है हमारे से, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और ये ऑथर के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, सो इसके अंदर बताया गया ऑथर के द्वारा कि आप जो चीजें हैं उसको सही कीजिए। ठीक है, कुछ रूल्स को चेंज कीजिए। हमारे पास एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के कुछ टर्म्स हैं, कुछ मेजर्स हैं, उसको चेंज करने की जरूरत, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है अंडर अबव द ओवरआर्किंग मदर एक्ट और रूल्स। ठीक है, इंडिया हैज नॉट कीप पेस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस। ठीक है, सो इंडिया हैज नॉट कीप पेस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस, इंक्रीजिंग कॉस्ट टू द इंडस्ट्रीज एंड अल्टीमेटली अफेक्टिंग द पैसेंजर ग्रोथ। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, रिगार्डिंग इंडियन एविएशन, ठीक है, टू मेक इट्स मोड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडली टेलवेंस। ठीक है, सो मूव अहेड। दूसरा आर्टिकल, दूसरा जो एडिटोरियल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, नाउ लेट्स मूव। श्रीलंका के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन पहले भी कर चुकी है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो श्रीलंका में सिचुएशन है बहुत ज्यादा हार्श है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट ड्यू टू रिडक्शन इनकम आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाइवलीहुड वहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, सेशनल कम्युनिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। श्रीलंका को इमिडिएटली अगर $10 billion नहीं दी गई तो मे बी कंट्री का डिक्लाइन कर सकती है। ठीक है, इंडिया ने ऑफकोर्स मदद बहुत ज़्यादा किया है, $3.5 billion तक अभी हमने लोन दे चुके हैं श्रीलंका को, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हमने मदद की है। जब श्रीलंका की बात आती है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों पे याद आता है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स होंगे, अपार्ट फ्रॉम, मैं आपको चीज़ें क्यों बताता हूँ, जैसे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर श्रीलंका ने क्या किया था, एक टाइम पर इंडिया को साइड कर दिया था और चाइना को आने दे रहा था। ठीक है, चाइना को आने दे रहा था, तो अब चाइना कहाँ गया भाई, आपको बोलते हैं ना कि बीच का समंदर में ले जाकर छोड़ दिया। ठीक है, और आप वहाँ पर मरो, जियो, कुछ भी करो। ठीक है, अब ऑफकोर्स बीच समंदर में आपको छोड़ दिया जाए तो आप, अगर आपको एक अच्छा ड्राइवर भी, आपको याद रखना, अच्छा डूबता वही है जो एक अच्छा ड्राइवर होता है। ठीक है, तो ऐसी कहानी है। ठीक है, तो श्रीलंका को वही बीच कंडीशन में ले जाकर छोड़ दिया, और इंडिया बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, अभी बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गया है और बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रहा है एज ए ह्यूमैनिटेरियन और असिस्टेंट के तौर पर। ठीक है, हमने बहुत सारे सेंसल कॉमोडिटीज़ भी दिए हैं, लगभग 4,500 मेट्रिक टन ऑफ राइस हमने दिया है, और बहुत सारी फूड मटेरियल रिलीफ भी हमने भेजे हैं, जैसे कि शुगर हो गया, फ्यूल हो गया, सेंसल कॉमोडिटीज़ जितनी है सब हमने भेजी है, और ऑफकोर्स हमने $3.5 billion। तो
ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि मैंने मैंने पहले भी बताया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ दिन पहले अभी रिसेंटली 500 मिलियन का एक सॉफ्ट लोन के तौर पर देने की बात की गई है टू श्रीलंका। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो कम्स अंडर दिस। ठीक है, श्रीलंका के बारे में पहले से सब कुछ पता है आपको। ठीक है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनी मोर। ठीक है, ट्यूबर क्लॉसेस के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो ट्यूबर क्लॉसेस है इट इज़ द वर्स्ट अमंग एंडेमिक डिजीज। ठीक है, जो कि लगभग 1.5 मिलियन पीपल को सालाना उससे इसकी मौत होती है। ठीक है, ट्यूबर क्लॉसेस की वजह से लगभग 1.5 मिलियन पीपल सालाना मरते हैं। एंड इट अफेक्ट अडल्ट इन देयर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स एंड देयर फॉर इम्प्रोविज द फैमिलीज एंड द नेशंस। ठीक है, इन इंडिया ट्यूबर क्लॉसेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड डिजीज किल्स सम 1400% एवरी डे। ठीक है, तो इंडिया में यह जो ट्यूबर क्लॉसेस है इट इज़ द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड इट किल्स सम अराउंड 1400% एवरी डे। ठीक है, तो हर दिन लगभग 1400 लोगों की मौत होती है ट्यूबर क्लॉसेस की वजह से। तो ये वर्स अमंग एंडेमिक है, एंडेमिक डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। लगभग एस्टिमेट किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि 1.5 मिलियन लोगों की मौत होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो कुछ फ्लॉज हैं इसके अंडर। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया RNTCP हो गया, रिवाइज नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम है टू स्टॉप और टू इराडिकेट ट्यूबर क्लॉसेस। ठीक है, तो पूरी तरह से इराडिकेट तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स हम कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें को सुधार सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से हम इराडिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देयर आर ऑब्वियस फ्लॉज इन RNTCP। ठीक है, पहला क्या है, इट इज कोई भी प्रोग्राम होगा उसको पहले एक हैवीली फंड की जरूरत पड़ती है बाय द गवर्नमेंट। ओके, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिशन फॉर द मॉनिटरिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ ट्यूबर कंट्रोल। ठीक है, तो सारी चीजें बनाई गई है तो उसके लिए एक प्रॉपर सुविधा की जरूरत है, प्रॉपर फंड की जरूरत है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपको यहां पर इसकी कमी, सबसे पहले इसमें यही कमी मिलेगी कि इसके अंदर फंड ही नहीं है तो भाई ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, इसके अंदर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है तो ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, नाउ सेकंड क्या पता है, जो सेकेंड पॉइंट है, द अजम्पशन दैट ट्रीटिंग पल्मोनरी ट्यूबर क्लॉसिस अलोन वुड कंट्रोल ट्यूबर क्लॉसिस वाज एंडीमोलॉजिकली फैलेसियस। फैलेसियस का मतलब क्या होता है, इनकरेक्ट। ठीक है, इन इंडिया। ओके, सो इसके बारे में आपको लिखने की जरूरत है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया ऑथर के द्वारा, जो RNTCP है, इट हैज फेल्ड टू इलिट पीपल्स पार्टनर्स इन टीवी कंट्रोल। ठीक है, तो इट हैज फेल्ड टू इलिट द पीपल्स पार्टनरशिप इन टीवी कंट्रोल। इन इंडियाज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पब्लिक एजुकेशन वॉज गिवन टू अ हायर प्रायोरिटी एंड रेड रिबन का क्लब्स है इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज आर एट लेगेसी विदाउट पीपल इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन स्टिग्मा। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर चीज़ें की बात की गई है, हाउ टू कंट्रोल और एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो यह हमें इसके ऊपर एक सेकुलर ट्रेंड के रिगार्डिंग कहा गया कि सेक्युलर ट्रेंड है जिसका जो बर्डन है टीबी का, इट हैड फॉलन बाई 1% और 1 to 1.5%। ठीक है, तो एक सेक्युलर ट्रेंड की यहाँ पर बात की गई है और एविडेंसेस ये बताते हैं कि जो रिडक्शन है इट वॉज ड्यू टू इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन की वजह से हमें ये रिडक्शन में देखने को मिला है, ना कि सेक्युलर ट्रेंड की वजह से। ठीक है, सो एक बहुत ही ये बड़ा डिजीज है ट्यूबर क्लॉसिस, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। और हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास स्टेट में भी ट्रेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ट्रेंड ट्यूबर क्लॉसिस क्लिनिक्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको मैंने समझाया तीन मेजर डिफिशियंसीज थी इन RNTCP कंट्रोल प्रोग्राम में विच नीड करेक्शन। ठीक है, पहला क्या मैंने बताया आपको कि इसके अंदर एक हैवेली फंड की ज़रूरत है जो कि नहीं दिया गया है, और एक प्रॉपर मेथड फॉर द मॉनिटरिंग फॉर द ट्रांजेक्टरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मेथड बनाने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि जो अजम्पशन है दैट ट्रीटिंग पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टीबी पेशेंट अलोंग अलोन वुड कंट्रोल टीबी वॉज एंडीमोलॉजिकली फैलेसियस इन इंडिया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है इंडिया में। ठीक है, और इट्स नीड करेक्शन। ओके, RNTCP फेल टू इनिशिएट पीपल्स पार्टनरशिप इन कंट्रोल NTV कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इन साउथ एशिया, बहुत सारे इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका क्या इंपैक्ट है श्रीलंका पे, पाकिस्तान
पाकिस्तान में क्या किस चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रिनको माले हो गया श्रीलंका में, और उसकी वजह से आपको पता है बहुत सारी ये चीज़ें यहाँ पर अफगानिस्तान ने साइन किया था विद चाइना इन 2016 विथ अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि 2015 में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। सो 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिट किए थे कजाकिस्तान में एंड इंडोनेशिया में, एंड वहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेस किया था हिज विजन टू बिल्ड अ सिल्क रोड इन इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st century मैरिटाइम सिल्क रोड टू ब्रेक बोटल नेक इन एशिया कनेक्टिविटी। दिस लेड टू द विजन टू द बर्थ ऑफ BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, द इनिशिएटिव इन विजन चाइनीज लेड इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर 1 trillion इन पार्टनर्स कंट्रीज बाई 2025। मोर देन 16 कंट्रीज हैव अभी तक लगभग BRI में आपको 60 कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे विद एग्रीमेंट विद चाइना। ओके, और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये सब चीज़ों में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बता दूँ, सेंटर ने स्टेट्स को कहा है कि आप जो पैडी की जो सोइंग है उसको बूस्ट कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर 27% फॉल देखने को मिला इन सोन एरिया टू 43.5 लाख हेक्टर टिल July 1st दिस सीजन, इस डाटा में ये बताया गया है, ठीक है। तो सेंटर ने कहा है कि आप इस एक प्रॉपर बूस्ट की ज़रूरत है एंड वी हैव सॉन फॉल ऑफ 27.5% लेस दैन 59.56 लाख हेकर ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2021, ठीक है। तो ये कहा है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। एंड उत्तर प्रदेश एंड जो गुजरात गवर्नमेंट है विच अर्ज टू द सेंटर नॉट टू सप्लाई वीट इन प्लेस ऑफ राइस, ठीक है। तो राइस की प्लेस पे वीट का सप्लाई ना करें, ये सब चीज़ें कहा गया है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश और गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और NFSA की रैंकिंग आई थी जिसमें उड़ीसा सिक्योर किया फर्स्ट रैंक फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उड़ीसा ने टॉप किया और उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश स्टूड सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली इन दिस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द सेंटर विच वॉज रिलीज बाय मिस्टर गोयल। एंड अमंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट त्रिपुरा सिक्योर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश सेकेंड एंड सिक्किम थर्ड पोजिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें NFSA की रैंकिंग में बताई गई, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया है कौन, INS विक्रांत, पहले अभी ये सी ट्रायल पे था, नाउ अब सक्सेसफुली इसका मेडन सी वॉयस हो चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। तो नेवी की आईएस गवर्नमेंट रूट टू बाई कैरियर बेस्ड जेट, ठीक है। तो कैरियर बेस्ड जेट के ऊपर है नेवी की आंखें और खरीदेंगे, ऑफकोर्स खरीदेंगे, लेट्स सी क्या कुछ होगा इसके अंदर, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और फिनलैंड और जो स्वीडन है इन्होंने साइन कर लिया है प्रोटोकॉल्स टू ज्वाइन नाटो, अवेट रेक्टिफिकेशन होते ही जो ये हैं उनके मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी चल रही है पार्लियामेंट्री, चाहते हैं एक बार अगर पार्लियामेंट्री अगर जो अलाइड कंट्री है उनके पार्लियामेंट में अगर ये डिसीजन रेक्टिफाई कर दिया गया तो स्वीडन एंड फिनलैंड विल बी द मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। तो ये 30 की जो मेंबर कंट्री है इसमें दो कंट्री और जुड़ जाएंगे और ये 32 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट, वुमेन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन विंस फील्ड मेडल, ठीक है। तो फील्ड मेडल को एक नोबेल प्राइज के तौर पर भी माना जाता है, नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज के तौर पे बोला जाता है, ठीक है। यूक्रेनियन की मैथमेटिशियन है मरियाना वियाजोकवस्सा, ठीक है, वियाजोकवस्सा, जिनको मिला है फील्ड मेडल को याद रखिएगा, नोबेल प्राइज कहा जाता है इन मैथमेटिक्स, और ये वुमेन है जिनकी यूक्रेन से बिलोंग करती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी, हमेशा से आपको मैं बताया हूँ कि जो रुपीज़ हो धीरे धीरे डिक्लाइन करता जा रहा है और ड्यू टू ट्रेड डिफिसिट विडन, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट वाइट होता जा रहा है, तो जो आपको यहाँ पर है इंडियन रुपीज़ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये पहुँच गया है 79.33, ठीक है। तो अगेन ये सब चीज़ें मैं आपको याद दिला दूँ। ओके, सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।